हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूज़पेपर फॉर थर्ड ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू जो न्यूज आपको पढ़नी है फर्स्ट इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट लेस देन बॉटम लाइन इन टॉक्स विद चाइना आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंडिया की अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको नोट करनी है तो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर हैज सेड दैट हैज़ मेड इट क्लियर कि इंडिया चाइना में जब भी नेगोशिएशन होगी देन इंडिया विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन विड्रॉल फ्रॉम द कंटेंशियस एरियाज सो चाइनीज़ फोर्सेस विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द कंटेंशियस एरियाज़ चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हों चाहे वो गलवान वैली हो चाहे वो पेंगोंगसो लेक हो सो ऑल दीज एरियाज़ the Chinese forces will have to withdraw and that is the bottom line that he is talking about. So, ye news aapne padhni hai. Then, farmers demand special session of parliament. Farmers ne demand ki hai ki jo next round of negotiation 4th of December ko hone wala hai, uh, 3rd of December ko hone wala hai, usse pehle ek naya एक special session बुलाया जाए parliament का जिसमें जो farm laws हैं उनको repeal किया जाए उसके बाद वो अगला जो round है राउंड ऑफ नेगोसिएशन जो है वो चलाएंगे तो इट रिमेंस टू बी सीन वेदर द गवर्नमेंट विल हीड टू द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स और नॉट लेकिन यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्पेशल सेशन ऑफ़ पार्लियामेंट क्या होता है देखिए सेशन का मतलब होता है कि एक बार जब पार्लियामेंट सिटिंग्स करती है एक सिटिंग होती है जो एक दिन में होती है लेकिन सेशन जो है वो इट कैन स्पैन फ्रॉम वन वीक टू वन मंथ टू इवन समाइम्स टू मंथ्स और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के दो सेशंस में एक साल में कम से कम दो सेशंस होने चाहिए और दो सेशंस में छः महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए लेकिन इंडिया में हम लोग दो नहीं बल्कि तीन सेशन करते हैं हर साल एक विंटर सेशन एक मानसून सेशन और एक बजट सेशन तो बजट सेशन जो है वो जनवरी फेबररी में होता है इनफैक्ट मार्च तक वो चला जाता है और सेकेंड सेशन जो कि मानसून सेशन है वो होता है जुलाई अगस्त में और थर्ड सेशन यानी कि विंटर सेशन जो होता है वो नवंबर दिसंबर में होता है लेकिन इस साल बजट सेशन के बाद जो मानसून सेशन था वो काफ़ी लेट हुआ ऑलमोस्ट छः महीने पूरे हो गए थे बट इट वॉज बिकॉज ऑफ़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन और अब थर्ड सेशन होगा विंटर सेशन लेकिन स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है

तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एक बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ ब्रिटेन अप्रूव्स फाइज़र कोविड नाइन्टीन वैक्सीन ब्रिटेन ऐसी पहली कंट्री बन गई है यूरोप की जिसने कोविड uh, की वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है सो नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द वैक्सीन विल स्टार्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द ब्रिटिश पीपल तो अगले हफ्ते से ही इसका रोल आउट जो है वो शुरू हो सकता है एक थोड़ी सी ट्रिवियल न्यूज़ बोरिस जॉनसन इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे हर साल रिपब्लिक डे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी एक फॉरेन डिग्नेटरी को इनवाइट करती है तो 2021 के रिपब्लिक डे के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया है सो वेदर विल एक्सेप्ट और नॉट आपको ध्यान रखना है देन We move ahead. <coughs> Let us move to the editorial page. So page number six is the editorial page. Subsepa editorial hai. Casts <laughs> count. तो इस एडिटोरियल में कास्ट वाइज़ सर्वे को एडवोकेट किया गया है कास्ट वाइज सर्वे हेल्प्स गैदर क्वान्टिफाइबल डेटा बट द एम मस्ट बी अ कास्टलेस सोसाइटी तो अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने एक डिसीजन लिया है कि एक कमीशन एस्टेब्लिश की जाएगी जिसमें कास्ट वाइज डेटा जो कि कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट करेगी तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि जो कास्ट बेस्ड डेटा है वो कलेक्ट किया जाना चाहिए ताकि जितनी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली टारगेट हो सकें बिकॉज देर आर सो मैनी कास्ट जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन हैं तो उनको बेटर टारगेटिंग के लिए हमें कास्ट वाइज डेटा होना जरूरी है बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड दैट द अल्टीमेट एम इज टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी तो ये इसियल में बताया गया है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह आर्टिकल अच्छा है आपको जरूर पढ़ना है देन क्वेश्चनेबल डेटा लिटल रूम फॉर एग्ज्यूबरेंस ये इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव से एक अच्छा आर्टिकल है पिछले कुछ वीडियोस में भी हमने बात की थी कि पिछले कुछ टाइम से इकॉनमी का जो डेटा है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट्री आ रहा है जैसे कि जीएसटी कलेक्शंस जो हैं दे आर इंक्रीजिंग अक्टूबर और नवंबर में दोनों महीने में एक लाख करोड़ जो जी एस टी हैं वो हर महीने इंक्रीज़ की तो मार्च के बाद से ये पहला इंकरेजिंग डेटा है जबकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो रही है और जो जी है वो भी कम हो रही है सो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ कन्फ्लिक्टर तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो लेटेस्ट क्वार्टरली एस्टिमेट्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिबाउंड है लेकिन ये डेटा फ्लॉड लगता है जबकि रिकवरी जो है वो मॉडस्ट होने वाली है तो इन्होंने आर्टिकल में इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है कि डेटा इतना ज़्यादा मिसमैच क्यों हो रहा है सो so, इसके पीछे का जो कारण है वो जानना चाहिए और इन्होंने जताया है ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन रिकवरी इज नॉट दैट मच बेटर जितनी वो डेटा में शो हो रही है तो रिकवरी काफी मॉडस्ट होने वाली है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये आर्टिकल है इसमें कुछ सजेशन दिए हुए हैं कि कैसे डेटा कलेक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है सो दैट यू शुड लर्न देन चॉपी टाइडिंग्स सेकेंड एडिटोरियल चॉपी टाइटिंग्स इसी पेज पर ये तीसरा आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये एडवोकेट किया गया है कि अगर गवर्नमेंट की वाकई में जीएसटी से इतनी इनकम बढ़ रही है देन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग और एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स को बूस्ट देना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट बजट क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इंड्यूसड लॉकडाउन तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के पास अब अगर कैपेसिटी है वर्नमेंट शुड स्पेंड मोर एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट दिस इज वट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग आपको पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी के इसी पेज पर दो आर्टिकल हो गए आपके देन वी मूव अड तो ये वाली जो इंटरव्यू है ऑन पेज नंबर टेन ऑफ मिस्टर एस जयशंकर ये वाली इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए कुछ इंटरव्यूज़ को आपको ज़रूर पढ़ना है सो दैट यू गेट टू नो सम ऑफ द इंट्री केसेस ऑफ जैसे इनकी आप इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा एंड सिंस यू आर ऑल्सो स्टडिंग फॉर मेन्स तो मेन्स में इस तरह की जो वर्डिंग्स जैसे यूज़ करते हैं दैट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली इम्बाइब्ड तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कंटेंट देख लेना है और आपने उसको छोड़ देना है कुछ चीजें आपको इंबाइब करने की जरूरत है जैसे फॉरन पॉलिसी के आंसर लिखेंगे सो द वर्डिंग्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल इज वेरी इन्फ्लुएंशियल इट्स वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल पीपल तो वो आपको इम्बाइब करने की कोशिश करनी है सो यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू देन देन मूविंग अड टू द वर्ल्ड पेज वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑन पेज नंबर थर्टीन बाइडन सेट्स न्यू डिमांड्स फॉर रिटर्न टू ईरान न्यूक्लियर डील तो जो ईरान न्यूक्लियर डील दो हज़ार पंद्रह में साइन हुई थी जिसका फॉर्मल नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जी सी पी ओ ए तो जो इससे पहले प्रेजिडेंट थे डोनल्ड ट्रम्प उन्होंने दो हज़ार अठारह में इस डील से विड्रॉ कर लिया था बिकॉज ही थाट दैट ईरान वॉज गिवन मच मोर दैन इट डिजर्व तो उन्होंने इस डील से विद्रॉ कर लिया था बट नाउ मिस्टर बाइडन इज़ विलिंग टू जॉइन द डील अगेन। पर अब वो पुराने क्लॉजेज को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं ही इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज द पीरियड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंट्री एक हैड था कि उस कंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस का पीरियड बढ़ाया जाए उसको ये और बढ़ाने की बात कर रहे हैं सो इट रिमेंस टू बी सीन कि इसी डील पे जब दोबारा नेगोशिएशन होगी तो क्या ईरान उस बात के लिए मानेगा या नहीं बिकॉज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिडल ईस्ट एज वेल एज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ये डील दोबारा से रिवाइव हो पाती है या नहीं दैट रिमेन्स टू बी सीन उसके बाद ये एक न्यूज़ है जिसको आपको नजर में रखना है यू जस्ट हैव टू रीड दिस न्यूज़ इसको कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है चाइना बाइज़ फर्स्ट इंडियन राइस इन डेके जमिट्स का सप्लाई तो चाइना और इंडिया में कभी राइस की ट्रेडिंग नहीं हुई है बिकॉज इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस बट चाइना ने कभी भी राइस जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट नहीं की है तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया से चाइना राइस एक्सपोर्ट करने वाला राइस इम्पोर्ट करने वाला है वन लाख टन्स ऑफ राइस इज़ गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया चाइना ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा प्राइस कोट कर रही थी बट इंडिया वॉज कोटिंग अ लेसर प्राइस थ्री हंड्रेड डॉलर्स पर टन तो उस वजह से इंडिया को ये ऑर्डर मिला है तो ये एक थोड़ी स्ट्रेंज बात इसलिए है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं ऑलरेडी इंडिया ने बहुत सारे चाइना के ऐप्स बैन कर दिए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पर तो हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू कर दिया है बट ऑन दी अदर हैंड चाइना इज़ एडिंग A new import item to its list. और वो इम्पोर्ट भी इंडिया से किया जा रहा है और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डील गो और यह काफी अच्छी डील है एक लाख टन जो uh, चावल है उसकी डील हुई है सो इट्स अलकम इंटरवेंशन उसके बाद दूसरे न्यूज पेपर पे चलते हैं विच इज़ द इंडियन एक्सप्रेस सो इंडियन एक्सप्रेस में सबसे प्रोमिनंटली न्यूज़ दिखाई गई है यू के गेट्स फर्स्ट शॉट नेक्स्ट वीक तो यू के ने फाइजर कंपनी की वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है उसका पहला शॉट अगले हफ्ते से लगना शुरू हो जाएगा इंडिया जो है वो इस पर नज़र रखने वाला है दैट हाउ दिस वैक्सीन टर्नज आउट ताकि वो अपना जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो अच्छे से प्लेस कर सके बिकॉज इफ दिस वैक्सीन शोज़ प्रामिसिंग रिजल्ट देन अदर कंट्रीज में ऑल्सो ऑर्डर द सेम एक्सप्लेन्ड पेज रीजनल जो पेजेस हैं दिज यू कैन स्कीप बट इफ यूर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज इसमें से आपको दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल सकती है एक्सप्लेन पेज पे ऑन पेज नंबर इलेवन एक्सप्लेन कंसेंट फॉर तो कंटेम्प ऑफ कोर्ट एक्ट कोर्ट्स एक्ट के अंदर अगर किसी को किसी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो अटॉर्नी जनरल उसे पहले सर्टिफाई करते हैं तो वो सारा प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन ऑफ़ फॉर्मेट में इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है दिस यू शुड स्टडी उसके बाद साइंस एंड टेक में करोना वायरस से रिलेटेड एक न्यूज़ है री हैब कुड हेल्प टू पॉइंट फोर बिलियन लोअर बैक पेन बिगेस्ट कंसर्न तो जो लोग करोना वायरस से रिकवर हो गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना बहुत जरूरी है उनमें लोअर बैक पेन की काफ़ी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को आ रही है तो ये आप आर्टिकल पढ़ना है दिज आर द टू आर्टिकल्स यू हैव टू स्टडी देन ऑन द एडिटोरियल पेज इंडियन पॉलिटी के परस्पेक्टिव से दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल यू शुड स्टडी लॉ इन लीगल यू पीज लव जिहाद ऑर्डिनेस हैल नाइनटीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं इनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं यूपी ने ये जो नया ऑर्डिनेंस पास किया है इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं बेसिकली ये कन्वर्जन uh, के अगेंस्ट एक लॉ पास किया गया है फॉर दोज पीपल हु आर कन्वर्टिंग और हु आर गेटिंग मैरिड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन जो सिर्फ कन्वर्ट कराने के लिए रिलीजन को कन्वर्ट करवाने के लिए या करने के लिए किसी को किसी से शादी करते हैं दैट इज बीइंग बैंड अंडर दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव तो इसलिए इसको किस इस लॉ को क्रिटिसाइज किया गया है और कैसे फंडामेंटल राइट पर उसका इंपैक्ट होगा ये भी इसमें डिस्कस किया गया है सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी परसपेक्टिव देन एक और आर्टिकल अगेन ऑन इंडियन पॉलिटी लेट देयर बी नॉइस बॉम्बे हाई कोर्ट इज राइट इन पब्लिक ऑफिस मस्ट लर्न टू टेक्रिटिसिज्म हाउ एवर अनपेलेटेबल ऑन द चिन तो ये भी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल आप मान सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर में कहा है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसे क्रिटिसिज्म से भागना नहीं चाहिए तो एक ट्वीट में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की बेइज्जती की गई थी थोड़ा सा उनके खिलाफ कुछ बोला गया था तो उस शख्स के खिलाफ जो सुनवाई चल रही थी उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है दैट यू कैन नॉट अरेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु क्रिटिसाइज यू ऑन ट्विटर बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर सो यू हैव टू डिवेलप सम ऑफ योर यू कैन से रिजिलियंस अगेंस्ट सच टाइप ऑफ क्रिटिसिजम बिकॉज यू आर अ पब्लिक अथॉरिटी तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी है यहाँ पर अगेन आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वोक्ड कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है उस पर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए एंड सिंस इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन्हें क्रिटिसिज्म को थोड़ा इजिली लेना चाहिए सो ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी शोन द डोर ऑफ कोर्ट ओके तो ये यहां पर दिखाया गया है देन ऑन द आइडियाज पेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ये एक आर्टिकल है थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया है एन ई पी मस्ट टैप चिल्ड्रंस एस्टॉनिशिंग लिंग्विस्टिक एबिलिटी एज अ क्लासरूम रिसोर्स तो मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए उसमें लैंग्वेज को क्या उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए ये सब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है सो दीज आर ऑल द न्यूज़ आइटम्स दैट यू हैव टू स्टडी फॉर टुडे आई होप दिस वीडियो हेल्प यू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ें सो दैट यू नो विच न्यूज़ टू रीड एंड विच नॉट ये जो न्यूज़ मैंने आपको आज बताई यही वो न्यूज़ हैं जो आपको पढ़नी है और सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज के लिए ये न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है बाकी बहुत सारी न्यूज़ आपको लगेंगी कि ये भी हमें पढ़ लेनी चाहिए ये आर्टिकल भी पढ़ लेना चाहिए बट जस्ट कीप इन माइंड दैट अनलेस एंड अनटिल सम न्यूज़ पर्टिकुलरली फिट्स इन टू योर प्रलिम्स और मेन सिलेबस दैट न्यूज़ इज़ नॉट रेलिवेंट नो मैटर हाउ रेलिवेंट इट लुक्स लाइक कोई न्यूज़ जब तक आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिलेबस में फिट नहीं होती है जो कि बहुत ही डिटेल में यूपीएससी ने दिया हुआ है प्रिलिम्स का भी और मेन्स का स्पेशली तब तक आपको वो न्यूज़ नहीं पढ़नी है मैनी स्टूडेंट्स दे एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नॉलेज विदाउट एनी पर्पज़ विच इज़ नॉट टू बी डन वो आप लोगों ने नहीं करना है सो दिस इज अनीशिएटिव इन दैट डायरेक्शन So, that you do not waste your time and you read only those news which are relevant for your preparation. So, thank you and have a nice day.